जैसा कि आपको पता है कि जो जेईई मेन 2022 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो रीओपन हो चुका था, ठीक है। वो रीओपन हुआ था 18 अप्रैल को, और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो है 25 अप्रैल। ओके, जो बच्चे अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए थे उन्होंने फिर से फॉर्म फिल किया है। ओके, और उनका क्वेरी ये है कि भैया अगर फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से रीओपन हुआ है तो क्या हमारा जो करेक्शन पोर्टल है, करेक्शन पोर्टल जो विंडो है वो क्या फिर से ओपन होगा। तो इसका आंसर है, मेरे अनुसार, मेरे को जितना लगता है कि हाँ, करेक्शन विंडो पोर्टल फिर से ओपन होगा, क्योंकि जो बच्चे न्यू न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं उनके लिए करेक्शन विंडो पोर्टल तो बिल्कुल ही ओपन होगा। और देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो करेक्शन विंडो पोर्टल सबके लिए ओपन होता है या केवल उनके लिए जो न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं। बट मेरे को लगता है कि वो सबके लिए ही ओपन होगा, फिर से सारे बच्चे उसमें करेक्ट कर पा रहे होंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि करेक्शन विंडो पोर्टल में क्या क्या आप करेक्ट कर पाओगे, सो मैंने उसके लिए एक वीडियोस बनाया था, डिटेल में बताया था कि किन किन स्टूडेंट्स जो है किस किस केस में किस किस सिचुएशन में अपना करेक्शन कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जेईई मेन 2022 के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पूछ सकते हो। मैं उस पर मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, और अगर आप वो कॉमन डाउट हुआ तो मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके।